असल स्लोग पिछली दफ़ा हमने टैग लाइन की बात की इस दफ़ा स्लोग अब लोग पूछेंगे भाई स्लोगन टैग लाइन क्या फ़र्क है यू आर राइट इंटरचेंजेबल होते हैं दोनों आर शॉर्ट स्ट्राइकिंग मेमोरेबल फ्रेज यूज इन एडवरटाइजिंग बहुत इंटरचेंजबल है मगर देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस टैग लाइन जो है वो एक ब्रांड की आइडेंटिटी है और वो लम्बा चलती है स्लोगन जो है वो कैंपेन और होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी आ, जो है लाइफ और एटलीस्ट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ अ ब्रांड लाइफ उसमें वो चलता रहे स्लोगन कैम्पेन ओरिएंटेड होता है आगे हम चल के थोड़े से एग्जांपल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे बट बेसिकली जो एक ब्रांड होता है उसकी एक मेन आइडेंटिटी होती है कॉपोरेट आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं उसकी टैगलाइन होती है और वो कॉपोरेट आइडेंटिटी के मिशन और विजन के साथ वो टैगलाइन रिप्रेजेंट uh, करती है उसको जो स्लोगन है वो आपका एक कैंपेन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोई एक ट्रैवल कैंपेन uh, निकाला तो उस कैंपेन का जो टैगलाइन या स्लोगन होगा वो स्लोगन कहलाएगा टैगलाइन नहीं कहलाएगा इसी तरह अगर हम एग्जांपल्स देखें थोड़े से टैगलाइंस के आई एम लविंग इट मैकडोनल्ड्स आई थिंक एवरीबडी हैज सीन दैट ये बदलता रहता है इसी तरह कोको कोला के जो है हमने देखा है ज़ालिमा कोका कोला पर दे मज़ा है हर लम्हे का आपने देखा है कि ये दोनों कोको कोला के हैं मगर स्लोगन्स हैं क्योंकि ये कैंपेन ओरिएंटेड थे एक कैंपेन चली जालिमा की और एक कैंपेन जो है मज़ा है हर लम्हे का इसी तरह डालडा की हालांकि हम डालडा को जानते हैं डालडा और ममता के साथ मगर उनका एक कैंपेन चला कोई जो रखे प्यार से और ये उनका कैम्पेन स्लोगन था अब हम कोशिश करते हैं एक स्लोगन लिखने की इसके असूल जो हैं वो वही हैं जो टैगलाइन के थे शॉर्ट टू फाइव वर्ड्स नॉट टू लॉन्ग एंड इट नीड्स टू जहाँ टैग एक कंपनी को एक्सप्लेन कर रही है स्लोगन जो है वो एक कैम्पेन को एक्सप्लेन कर रहा है तो अगर हम डिसाइड करते हैं कि जी हमने एक uh, हम पहले भी एग्जांपल यूज़ कर चुके हैं दोबारा करते हैं एक कंपनी है उसका नाम है द पिंक ट्री कंपनी ये एक क्लोथिंग कंपनी है कपड़े बनाते हैं ट्रेडिशनल फैशन के जरिए अब इन्होंने ये फैसला किया कि इन्होंने एक कैंपेन चलाना है लॉन के लिए उनके जो लॉन के कपड़े होते हैं समर्स के लिए उसके लिए इन्होंने एक कैंपेन चलाना है सो दे हैव समर क्लोदिंग सीजन कैंपेन अब ये पूरे समर चलेगा यानी कि मई जून जुलाई अगर कुछ हमारे जो मुल्क के हिस्से हैं वो अगस्त तक भी ले जाते हैं मगर ये गर्मियों के कपड़े हैं और ये एक सीज़न का कैंपेन है तो अब हमें ये देखना है किस किस्म के कपड़े हैं तो ऑफकोर्स दे आर लाइट कूल दे आर ब्राइट समरी Easy to wash and stylish, traditional. अब ये जो है हमारे पास जो कपड़े हैं उनके बारे में पता है हमें और इसके बारे में अब हमने कैंपेन बनानी है अब कैंपेन में बनाते हुए हम ये कहते हैं कि जी कैंपेन जो है वो अपील करनी चाहिए है अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी इयर्स के लोगों को और ये ज़्यादातर लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि जी ये जो कैंपेन है ये ख़वान के लिए है वेमेन एंड गर्ल्स और एस सी यानी कि सोशियो इकनॉमिक क्लास की अगर हम बात करें तो चूंकि ये जरा सी एक्सपेंसिव है तो इसका एस सी ए थोड़ा सा बी बी बनता है ए बी एस सी अब हमें ये पता है अब हमें ये सारी चीज़ें जो है ना

बट उनको उर्दू इंग्लिश का मिक्स जो है वो अच्छा लगता है सो वी कैन सॉर्ट ऑफ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ डू वी मिक्स द टू लैंग्वेजेज एंड कम अप अपथिंग तो वी कैन लुक एट जोक फॉर शॉक तो इवन दो अब हम ये देखें कि जी जोक फॉर शॉक जो है ऐस सच हमें लगता नहीं है कि ये Uh, इससे डायरेक्टली रिलेट करता है बट करता है बिकॉज़ ट्रेडिशनल फ़ैशन है तो जो जिन लोगों को क़़ है थोड़ा सा जिन लोगों को ट्रेडिशनल फ़ैशन या स्टाइलिश फ़ैशन का शौक़ है वो uh, इस क़ को पसंद करेंगे जिनको uh, गर्मियों के uh, कपड़ों का शौक़ है समरी लाइट इस तरह की चीज़ों का शौक़ है और जो अफोर्ड कर सकते या शौक़ रखते हैं वही लोग जो है इस कैंपेन में uh, इसका फ़ायदा उठाएंगे जो इसके साथ uh, जो आ, कपड़े मिल रहे हैं वो ख़रीदेंगे तो इसलिए फिर हम इसका स्लोगन बनाते हैं जॉक और शौक